अपने सपनों के आसियाने को बिखरने से बचाएं। 19 वर्षों से भरोसेमंद सिंह हार्डवेयर एंड सैनिटेशन में आए, जहां मिलेगा आपको सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट जो आपके घर को देगा मजबूत आधार। सरकारी बस डिपो के सामने, कचहरी रोड, मेदिनीनगर। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस खबर को ना देखें, क्योंकि इस खबर को जानकर पत्थर दिल का भी रूह कांप जाएगा। ऐसी यातना के बारे में सुन कलेजा मुंह को आ जाएगा। अंधविश्वास में अंधी एक महिला ने अपनी सगी बहन को ऐसी क्रूरतापूर्ण दर्दनाक मौत दे दी, जिसके बारे में जानकर आपकी आह जरूर निकल जाएगी। यह शर्मनाक मामला गढ़वा के बंसीधर नगर का है। अंधविश्वास में लिपटकर भक्तिन बनी हुई महिला ने अपनी सगी बहन को पहले खूब डंडे से पीटा, फिर जीभ काट ली और उसके बाद मानवता की सारी हदों को पार कर प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी अतड़ियों को बाहर खींच लिया, तड़पा तड़पा कर अपनी ही बहन की बलि चढ़ा दी। इस मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया। दरअसल नगर उटारी के दलेली गांव की रहने वाली ललिता देवी अपने पति दिनेश उराव के साथ मिलकर तंत्र मंत्र का काम करती है। अपने पति के साथ वो नगर उटारी के उराव टोला में रामशरण उराव के घर तंत्र मंत्र करने आई थी। तांत्रिक ललिता की सगी बहन गुड़िया उराव टोले में ही ब्याही हुई थी। उसे सब परिवार तंत्र मंत्र देखने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन जैसे ही गुड़िया अपने पति मुन्ना उराव के साथ पहुंची, उसकी बहन ने उसी पर तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे डंडे से इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गई, और फिर होश में आते ही उसका अंग भंग कर दिया। सबके सामने उसकी जुबान को बाहर निकाला और जीभ को काट कर अलग रख दिया। इतने सभी हैवानों का मन नहीं भरा तो सबके सामने ही प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी अंतड़ियों को बाहर खींच लिया गया। हद तो तब हो गई जब उसका पति और ससुर समेत तमाम लोग मूक दर्शक बन हैवानियत के नंगे नाच को देखते रहे। गुड़िया चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, पर अंधविश्वास में अंधे उसके सभी अपने मूक दर्शक बन उसके बलि चढ़ने का इंतजार करते रहे। आखिरकार बेबस लाचार गुड़िया ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तांत्रिक ललिता अपने पति के साथ उसके शव को रंका स्थित अपने मायके ले गई और शव को जला दिया। उधर धीरे धीरे यह मामला कानाफूसी होते होते उजागर होने लगा, जिसे लेकर पंचायत भी बुलाई गई। ऐसा कहा जा रहा है कि वार्ड पार्षद के पति योगेश उराव ने मामले को दबाने का फरमान सुना दिया। हालांकि योगेश ने इस बात से इनकार किया है। इधर धीरे धीरे इस मामले की भनक पुलिस को मिली और मामला मीडिया तक पहुंचा। गुड़िया के पति मुन्ना उराव ने बताया कि पत्नी की मौत से वो बेहद आहत था। उसके सामने हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह से वह विचलित हो गया था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के श्राद्ध कर्म के बाद इस मामले को लेकर पुलिस के पास जाने का मन बनाया था। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं SDPO प्रमोद केसरी ने बताया कि ये हत्या का मामला है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।